टी20 की बात ओडीआई सीरीज में, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज जब ओडीआई में उतरी, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेस्ट इंडीज की कि वो सिर्फ टी20 के प्लेयर बन के रह गए हैं। उनके सारे जी हाँ प्लेयर्स ओडीआई और टेस्ट की जब भी बात होती है तो उनकी तरफ से परफॉर्मेंस कहीं भी नजर नहीं आती। यही हम चीज बार बार कहते आ रहे हैं और आगे भी यही कहते रहेंगे कि वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ और सिर्फ टी20 की वजह से सर्वाइव करी हुई है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में। टेस्ट में और ओडीआई में कितना बुरा हाल है ये इस आज के इस मैच की परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं क्लियर पता चलता है। ऑस्ट्रेलिया जो है ओडीआई में कितनी स्ट्रांग टीम है ये भी आज के मैच से कहीं ना कहीं ये क्लियर पता चलता है। वही स्टार जो शुरू के टी20 मैचेस में कहीं भी कलर में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज जब उनकी उनका फेवरेट फॉर्मेट उनके सामने आया, जी हाँ, ओडीआई में जब वो बॉलिंग करने के लिए आए, बुरी तरह से क्रश कर दिया है वेस्ट इंडीज। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग 49 ओवर का ही मैच हो गया था, तो इसी के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने 253 का टारगेट दिया। तो इसके अलावा में एस्टर टर्नर, एलेक्स कैरी, जी हाँ, कप्तानी में पहले ही मैच में 50 उन्होंने मारी, जबरदस्त इनिंग खेली उन्होंने। और इसके साथ साथ जॉश फिलिपी, बेन मैकडरमॉट की ओपनिंग भी ठीक रही, 10 ओवर में 50 की पार्टनरशिप हुई। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की निंजंग ब्रिगेड और इतना पहले ही मैच में जीत, तो कहीं ना कहीं शानदार। जी हाँ, और इसीलिए ज्यादा हॉरिबल परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से। कहीं ना कहीं इस टीम में स्मिथ नहीं है, वार्नर नहीं है, लाम्शे नहीं है, उसके बावजूद भी इस टीम कमिंस में नहीं है, कमिंस मैक्सवेल नहीं नहीं है, है। मैक्सवेल नहीं है, इतने प्लेयर्स के एब्सेंस के बावजूद भी इस टीम ने इतनी बुरी तरह से हराया वेस्ट इंडीज की बिल्कुल टीम को। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं इसीलिए वेस्ट इंडीज का ओडीआई में परफॉर्मेंस कितना टेरेबल है, वो इसको अभी भी टी20 के मोड में सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी मार के हमें निपटाना है। और इसको 20 ओवर का खेल है, 50 ओवर का नहीं, शायद इसीलिए इतनी जल्दी थी कि उन्होंने, खरी ये तो टी20 का भी स्कोर नहीं है जितने भी वो ऑल बिल्कुल आउट हुए हैं। बिल्कुल किस तरह से डाउनफॉल हुआ, स्टार्क ने कैसे सेंध लगाया वेस्ट इंडीज की बैटिंग अटैक में, आइए जानते हैं। बिल्कुल। और स्टार्क्स दोनों तरफ से फाइफर हो रहे हैं, जी हाँ, यहाँ से हेडन वॉल्स ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे जी हैं हाँ, ऑस्ट्रेलिया टीम जबरदस्त। का, और यहाँ से इन्होंने फाइफर लिया है और वहां से स्टार्क ने फाइफर लिया है। ऐसा लग रहा था कि शायद स्पिनर्स की पिच होगी, स्पिन विकेट ले रहे हैं। अकील हुसैन ने भी लिया और इसी के साथ वहां पे जाऊंगा, और इसी के साथ हेडर वॉल्स ने भी यहाँ से 5 विकेट लिए हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि स्पिन हो सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स ने ये धराशायी करके रख दिया और 98 पे 9 विकेट गिर गए वेस्ट इंडीज के। कोई नहीं चला, हेटमायर ले लें आप, इवन लुइस, जैसे मोहम्मद, जैसे होल्डर, डेल ब्रावो, सिर्फ पोलार्ड ने, जी हाँ, कोशिश करी कि 100 रन के पार पहुंचा पाए, लेकिन वो भी नहीं बिल्कुल हो पाया। जी हाँ, 98 पे 9 हो गए थे, लेकिन एट द लास्ट 100 पार हो गया और वेस्ट इंडीज भी बहुत ही बुरी तरीके से मैच हारा। जी हाँ, और कहीं ना कहीं पोलार्ड ने एक फिल्मेशन से जरूर बचा लिया। जी हाँ, आपको ये 100 कितने पे ऑल आउट हुई वेस्ट इंडीज, 123 123 तो 123 आपको फिर भी लग रहा होगा, चलिए 100 पार कर लिए। आप ये सोच सकते हैं 27 रन पे 6 विकेट थे, एक लग पे 27 रन पे 6 विकेट थे, और ये टीम ओडीआई के सबसे लोएस्ट स्कोर को पार करने के लिए भी स्ट्रगल कर रही थी। जी हाँ, 35 रन भी पार होना मुश्किल लग रहा था एक वक्त, जब 27 पे 6 हो गए थे, वहां पे पोलार्ड ने आके संभाल लिए, 2-3-4 बड़े हिट्स मारे और उसके साथ फिर क्रॉस कराया 50 को, और इससे ह्यूमिलेशन से कम से कम वेस्ट इंडीज बच गया, वरना आज आप ओडीआई का लोएस्ट स्कोर भी बिल्कुल देख पाते, क्योंकि सिर्फ 7-8 रन ही दूर था कहीं ना कहीं। तो इस तरह से वेस्ट इंडीज की बैटिंग पूरी कलाप्स रही है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के बारे में क्या कहें, बहुत जबरदस्त। जी हाँ, स्टार्क लॉन्गर फॉर्मेट पे बहुत जबरदस्त है, जैसे जैसे लॉन्गर टेस्ट में भी ठीक नहीं चल रहा है उनका, लेकिन वनडे में जबरदस्त कर रहे हैं कहना होगा, जबरदस्त बॉलिंग है। वर्ल्ड कप में भी होकर, आईसीसी के वर्ल्ड कप में भी हम देखते हैं उन्हें, और यहाँ पे भी वैसे ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। हेजलवुड की बॉलिंग, जी इतना ज्यादा वो प्रेशर बना देते हैं बैट्समैन पे, इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो उनके जो विकेट है वो किसी और को मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम है जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर इस टाइम कर रहे हैं, कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क। प्रेशर से विकेट निकालना बहुत मुश्किल होता है आजकल के दौर में, आजकल तो छक्का मारने प्रेशर खत्म हो जाता है, लेकिन इस दौर में इतना प्रेशर बना रहे हैं, बहुत बड़ी जी। और हेजलवुड की परफॉर्मेंस टी20 में भी बहुत अच्छी हुई थी, बिल्कुल एक मैच में उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग कराई थी और उसको भी उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है। हेडन वॉल्स के बारे में क्या कहेंगे उनकी टी20 में परफॉर्मेंस, उसके बाद ओडीआई। जी हाँ, जबरदस्त लेग स्पिनर है वो, जबरदस्त बॉलिंग करा रहे हैं, काबिले तारीफ है। वेस्ट इंडीज को इनका इस्तेमाल करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले ही वो कर लेंगे सब कुछ। बैटिंग से आपको कुछ करना है, 250 कुछ ज्यादा था नहीं, और मुझे लगता है कि बैटिंग यहाँ ऑस्ट्रेलिया, माफी चाहूंगा, वेस्ट इंडीज को
सुधारने की जरूरत है। बॉलिंग बहुत जबरदस्त है, हेडिंग वॉज अकीलुस एंड बहुत अच्छा कर। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज की बैटिंग पूरी तरह से कोलैप्स हुई है और पहली कोलैप्स की नया नहीं देख रहे हैं। ये ओडीआई में कम से कम ये काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ओडीआई परफॉर्मेंस इनकी काफी खराब है और यही चीजें उनके करियर में या फिर रिकॉर्ड्स में भी जुड़ती जा रही है। पिछले 7 साल में, जी हाँ पिछले 7 साल में सिर्फ 3 ODI सीरीज उन्होंने अब तक जीती है, वो भी अफगानिस्तान, आयरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ, जो वो भी ये श्रीलंका जो आजकल की न्यू श्रीलंका आप देख रहे हैं इनके खिलाफ, जिनमें काफी कुछ हलचल मच रही है टीम में। तो कहीं ना कहीं 7 साल में 3 ODI सीरीज जीतना एक इतनी बड़ी चैंपियन टीम की, जो एक वर्ल्ड चैंपियन हुआ करते देख सकते, कहीं ना कहीं बहुत निराशाजनक परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज की है। और यही कारण है कि हम ये बार बार कहते हैं और आज भी कहेंगे कि T20 गेम की वजह से ही वेस्ट इंडीज क्रिकेट सर्वाइव कर रहा है और उनके जो लीग्स में जिस तरह के इम्पैक्ट है प्लेयर्स का, उसी वजह से वो इस वर्ल्ड क्रिकेट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर T20 क्रिकेट नहीं होता तो फिर पूरी तरह से वेस्ट इंडीज बैकफुट पे होती। फिलहाल संगासस में इतना है, सेकंड ओडीआई में क्या कुछ होगा उसके साथ भी हम वापसी करेंगे। और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के कांग्रेचुलेशन, जबरदस्त विन, और कहीं ना कहीं ये क्लियर नजर आ रहा है कि शायद ODI सीरीज ऑस्ट्रेलिया ही क्लिंच करेगी। जी हाँ, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी हाजिर होंगे और वीडियोस के साथ। क्रिकेट बिट्स के लिए बने रहिए। बाय बाय।